जितने भी उम्मीदवार 17,000 प्लस पोस्ट में जिन्होंने ANM के लिए रिक्रूट किया था और जिनके परिणाम यहाँ पर जारी किए गए हैं, तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनकी DV से रिलेटेड और उनकी मांगों से रिलेटेड यह एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है। साथ ही दोस्तों, जो उम्मीदवार 17,000 प्लस की स्टाफ नर्सिंग की हो, ANM की हो, फार्मिस्ट की हो, चाहे LT की हो, जितने भी उम्मीदवार हैं जो अपनी DV की प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके तरफ से दोस्तों दैनिक भास्कर लखनऊ की तरफ से दोस्तों, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आप सभी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो आप सभी की DV की प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग, और साथ ही जिन उम्मीदवारों के DV के प्रोसेस में जो उनके डॉक्यूमेंट जो हैं इनकम्प्लीट हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, साथ ही जो उम्मीदवारों की जो मांगे थी वेटिंग को लेकर, उसके लिए भी दैनिक भास्कर की तरफ से यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। और साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि SGPGI के अंदर भी कम से कम यहाँ पर जो है 600 पोस्ट पर खाली होने के बाद उनकी भी वेटिंग निकलने वाली है, कम से कम 1700 से 1800 के बीच में। और इसको लेकर तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो है चिकित्सा विभाग के जो मंत्री हैं उन्हें विज्ञापन सौंपा गया है, और जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करने को लेकर तत्काल प्रभाव से कहा गया है, नहीं तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी लखनऊ के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब जो बात बताने वाला हूँ जो आप सभी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी ये एक सवाल कर रहे हैं कि सर जो ऑफ़र लेटर है वो क्या वेटिंग वाले को भी आएगा या नॉट शॉर्ट टेस्टेड वाले को भी आएगा, क्योंकि इनकी जो चांसेस हैं वो हैं वेटिंग आने की, क्या इनके भी आएगा। पर दोस्तों, अभी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ना होने के कारण जो आप सभी को यह कंफर्म बताना कि वेटिंग वाले की और नॉट शॉर्ट लिस्टेड वाले की आएगी या नहीं आएगी, पर दोस्तों यहाँ पर इसके रिगार्डिंग में हमारे द्वारा जल्द से जल्द कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढी जा रही है, जो आयोग से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, अगर उसके द्वारा कुछ भी हेल्पलाइन डेस्क से कुछ भी अपडेट मिलता है तो आप सभी को जोर से किया जाएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। और दोस्तों, ऑफर लेटर के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आएगी तो आप सभी को शेयर करें, क्योंकि ऑफर लेटर के रिगार्डिंग NHM के डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है उनके लिए भी कुछ ऐसी अपडेट निकल कर नहीं आ पा रही है कि जिसमें हम आप सबको ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दें। पर दोस्तों, आज फिर से एक नया अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूँ वेटिंग वालों के लिए, जिनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि वेटिंग को लेकर लगातार उम्मीदवार शंका में है कि हो सकता है कि नहीं आए, या हो सकता है कि आए या नहीं आए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जितनी भी वैकेंसी थी इन चीज़ों को लेकर उम्मीदवार चिंतित हैं, क्योंकि 2022 की जितनी भी यहाँ पर जो है NHM डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी वैकेंसियाँ थी उन्हें मर्ज कर एक नई वैकेंसी को यहाँ पर जो है निकाल दिया गया था, क्या इस वैकेंसी में भी ऐसा ही किया जाएगा? तो दोस्तों, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। साथ ही आप सभी को एक बड़ा बेनिफिट भी इस वैकेंसी में, आप सभी की जो पोस्टिंग होगी तो वहाँ पर भी आप सभी को देखने को यह मिलेगी दोस्तों। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो दैनिक भास्कर के 3-4 जो अपडेट है वो मैं आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल studyzone.sz से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर चुका हूँ, वहाँ से आप जाकर जो है उस टेलीग्राम पर जुड़िए, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम वहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, क्या अपडेट है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यह 3 दिन पहले का अपडेट है लखनऊ का, क्योंकि इसका जो प्रभाव है अभी जो यहाँ पर निकल कर आया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो स्टाफ नर्सिंग की यहाँ पर जो अस्थाई करने की मांग है, यानी कि ANM के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने यहाँ पर जो है सड़क पर प्रदर्शन किया, और उनकी मांग यही थी कि ANM को यहाँ पर जल्द से जल्द जो है अस्थाई किया जाए, और जो इसकी वेतन है उसमें कम से कम 25% बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ANM संविदा कर्मी की जो वेतन है वो 12,000 कुछ रुपया है, और इसे बढ़ाकर जो इनकी 25% है, यानी कि दोस्तों जो इनकी 25% है 3,000 से लेकर दोस्तों 6,000 तक यहाँ पर जो है बढ़ाने की मांग की गई है। 25% वेतन को इनक्रीज करना ही करना चाहिए कम से कम दोस्तों, जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर रहते हैं कि स्वास्थ्य भवन तक यहाँ पे करना था मोर्चा, पर रोके जाने के बाद परिवहन चौक पर ही दिया गया धरना, यानी कि दोस्तों प्रशासन द्वारा इन्हें रोक दिया गया, और रोकने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है उन्हें वहीं पर धरना देना पड़ा जहाँ प्रशासन ने उन्हें यहाँ पर रोका था। जिसमें देखते हैं कि लखनऊ में मंगलवार को जिले में आई ANM याचिका यानी कि सहायक नर्सिंग मिडवाइफर के जोरदार प्रदर्शन किया गया, यहाँ पर जो है परिवर्तन चौक से शुरू होकर प्रदर्शन यहाँ पर जो है संविदा ANM के स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकालने पर रास्ता
रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों ने वहीं पर जो है सभा लगाकर सूचना कर दिया। यानी कि दोस्तों वहीं पर दोस्तों जहां पर प्रशासन द्वारा रोका गया वहीं पर दोस्तों उन्होंने अपनी सभा लगाकर यानी कि दोस्तों एकता दिखाकर वहीं पर अपना धर्म प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर बात की और लगातार उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो मीडिया है दोस्तों उन्होंने कवर कर यह बात सरकार तक पहुँचा दी है। और इसी को लेकर आज के यहाँ पर जो है दैनिक भास्कर में देखेंगे तो अपडेट आया है दोस्तों, वहाँ पर जो है आप सभी के 17,000 प्लस की जो यहाँ पर जो संविदा कर्मी हैं एएनएम के अंदर यहाँ पर जो कई सारे यहाँ पर पोस्ट बाय पोस्ट यहाँ पर जो आप सभी के लिए जो है पदों की जो मांगे हैं और साथ ही परमानेंट करने के लिए उनकी वेतन को बढ़ाने को लेकर ये लगातार किया जा रहा है। और दोस्तों ये प्रदर्शन इसलिए किया गया है क्योंकि एनएचएम डिपार्टमेंट यानी कि जो यूपी सरकार ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा, पर जो उनकी कार्य है वो यहाँ पर कुछ स्लो है दोस्तों, कुछ हद तक स्लो है, जिसको लेकर यहाँ पर फिर से एक बार जो प्रदर्शन करने की जो मांगे थी उसे तेज किया गया और तत्काल प्रभाव से जो है सारी चीज़ों को प्रॉपर करने को लिए यहाँ पर ये जो आंदोलन है उसे ये किया गया। क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है एमपी के अंदर यहाँ पर वेतन बढ़ाने की जो बातें की गई थी, पर यूपी के अंदर संविदा कर्मी को एक सबसे बड़ा बेनिफिट दिया गया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो उन्हें लगातार यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा, जो संविदा कर्मी की पोस्टों को हटाकर उन्हें एक अस्थाई दिया जाएगा, संविदा की मोहर हटाकर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की मोहर लगाई जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसी को लेकर आज जो है फिर से एक बार जो है एएनएम वालों ने प्रदर्शन किया, तत्काल प्रभाव से किया, भले उन्होंने प्रशासन रोका पर उन्होंने जहाँ पर रोकते ही उन्होंने परिवर्तनी चौक पर दोस्तों यहाँ पर जो है परिवर्तन चौक पर ही दोस्तों वहां पर उन्होंने धरना दिया और अपनी बातों को वहां से रखा और काफ़ी हद तक जो उम्मीदवार थे लखनऊ पहुँचे थे इस आंदोलन के अंदर, क्योंकि उनकी वेतन और उन्हें के साथ यहां पर जो है परमानेंट करने की जो सरकार ने वादे किए हैं उसे जल्द से जल्द पूरित करें और जितने भी एएनएम संविदा कर्मी हैं उन सभी को यहाँ पर जो है न्याय मिले। तो दोस्तों आप सभी भी जब भी ऐसा आंदोलन किया जाए संविदा कर्मी को लेकर, चाहे वो आप स्टाफ नर्सिंग के हो, फार्मिस्ट के हो, चाहे वो एलटी के, अगर आप सभी की यूनिटी बनेगी तो आपकी वेतन भी बढ़ेगी, आप परमानेंट भी होंगे और आप एक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी दोस्तों बन जाएंगे या संविदा कर्मी से हटकर दोस्तों। तो उस आंदोलन में आप सभी को जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों ऑफ़र लेटर की बात करें तो ऑफ़र लेटर जो है वेटिंग वालों के दोस्तों अभी आने की कम चांसेस है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब तक जितने भी प्रक्रिया हैं शॉर्टलिस्टेड वाले की नहीं की जाती है उसके बाद वेटिंग और नॉट शॉर्टलिस्टेड की कैलकुलेशन कर ही उनके ऑफ़र लेटर निकाले जाएंगे। जो डीवी की प्रोसेस है दोस्तों इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है कि 21 तारीख से पहले हो सकता है कि डीवी की अपडेट जो है मिल जाए, क्योंकि सूत्रों के माने यही बताया जा रहा है। और जिनके भी सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, जिनके भी सर्टिफिकेट नहीं है वो इस बात को लेकर ध्यान रखें कि अपने सर्टिफिकेट को प्रॉपर सही करें, एफिडेविट लगाकर जिनके नाम गलत हैं ये चीज़ करना ज़रूरी है, वरना ये आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सभी इन चीज़ों से बाहर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए अपडेट थी जो हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया गया, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।